नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द आज़ादी। मैं हूं आपके साथ नाज़िश मेहताब। आपको बता दें कि कोरोना का जो है देश में दूसरा लहर चालू हो गया है। इसी बीच आपको बताते चले कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरा गई है। सरकारी अस्पतालों से ऐसी खबरें आती हैं जो हमारे बिहार को शर्मनाक बताती है। सरकार जो है वो इन पर ध्यान नहीं दे रही है। आपको बताते चले कि 1 मई को अनाउंस हुआ था कि 18 वर्ष से 41 वर्ष तक के युवकों को, लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी, लेकिन उस वक्त कोरोना की वैक्सीन की कमी हो गई थी, जिसके वजह से अब जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। तो हम अंदर चलेंगे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसके अंदर जो वैक्सीन है कोरोना वैक्सीन वो हो रही है और वैक्सीन कोरोना की जाँच हो रही है। तो हम चलेंगे अंदर और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ कोरोना की जाँच हो रही है, क्या कुछ फैसिलिटीज़, क्या कुछ सुविधाएँ यहाँ दी जा रही है, कितने मरीज जो है वो यहाँ आते हैं टेस्ट कराने के लिए, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते मैम, कहाँ है मैम? आप देख सकते हैं कि अभी हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे कोरोना की वैक्सीन लगाते नज़र आ रहे हैं। हम चलेंगे, आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ फैसिलिटीज़, क्या कुछ सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं, जो कि सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ पे बताते चलें कि यहाँ पे एक टीकाकरण केंद्र भी है, वहाँ पे मैम बैठी हुई हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम आपका नाम? पूनम कुमारी जी। पूनम कुमारी मैम, आप यहाँ पे क्या है? ANM। मैम अभी टीकाकरण हो रहा है? हाँ हो रहा। बच्चों का टीकाकरण हो रहा है 18 से ऊपर? अच्छा, और बच्चों का जो टीकाकरण होता है? बच्चों का आ रही, हाँ वो भी होता है, लेकिन अभी बंद है, स्टाफ कम है इसलिए। अच्छा। और कितने मरीज आ जाते हैं, कितना मतलब कोरोना वैक्सीनेशन कितना होता है? वो रोज तो अलग अलग होता है, मतलब कभी 90 हो गया, 80 हो गया, 50 हो गया ऐसे। लेकिन एक दिन में तो 100 करने का है ना, कि 100 लोगों को जो आता है सबको पड़ जाता है, जो आता है सबको पड़ जाता है। क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पे, पैसे भी लिए जाते हैं क्या चीज़ के लिए? वैक्सीन के लिए। वैक्सीन के लिए है कि आधार कार्ड लेके आते हैं, रजिस्ट्रेशन करके हम लोग देते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन करके भी आते हैं तो उनको भी पड़ जाता है, जो ना करके आते हैं उनको यहाँ हो जाता है रजिस्ट्रेशन। अच्छा, कितने देर में रजिस्ट्रेशन होता है? रजिस्ट्रेशन अब ज़्यादा भीड़ रहता, थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 घंटा 3 घंटा। वो मतलब हम लोग केवल सैंपल लेते हैं तो वहाँ से रिपोर्ट भेजने में देर कर जाता, कभी 2-4 दिन लगा, कभी 10 दिन भी लग जाता, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। मैम क्या कुछ सुविधाएं अभी यहाँ पे प्रदान की जा रही है स्वास्थ्य केंद्र में? अभी तो मेन सुविधा आपको पता ही है, सबसे पहले यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, टीकाकरण, और यह हम लोग पहले से 45+ 60+ को कर रहे थे, फिर बाद में 45+ को स्टार्ट हुआ है, और अभी कल से हम लोग इस सेंटर पे 18+ को भी कर रहे हैं। कल से कितने वैक्सीन दे दिए जाते हैं प्रतिदिन? कल हमारे यहाँ 18+ में 90 लोग वैक्सीनेट हुए हैं और 45+ में 50 लोग हुए। मैम पहले जो 1 मई को कहा गया था कि वैक्सीन की कमी हो गई है, क्या अभी भी वैक्सीन की कमी है स्वास्थ्य केंद्रों में? कुछ थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में आ रहा है, हम लोगों को डेली लाना पड़ रहा है, पर मिल जा रहा है, जितना अलॉटमेंट हुआ है उतना तो आ जा रहा है। मैम वैक्सीन के लिए भी कुछ चार्ज किया जा रहा है क्या? कोई चार्ज नहीं है इसका। रजिस्ट्रेशन फी? कुछ नहीं, बिल्कुल निःशुल्क दिया। हाँ जागरूकता दिख रहे हैं, पर अभी बहुत लो ग्रेड वाले जो लोग हैं, हमारे स्लम बस्ती वाले लोग हैं, वो लोग अभी नहीं आ रहे हैं। मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं वो अभी तक नहीं आ रहे हैं? स्लम एरिया वाले लोग नहीं आ रहे हैं, पर बीच बीच वाली जो फैमिली है मिडिल ग्रेड इनकम, वो लोग आ रहे हैं, पर स्लम बस्ती वाले लोग अभी नहीं आ रहे हैं। यहाँ 2 दिन में तो हम यही देख रहे हैं। तो आपने देखा कि क्या कुछ कहना है यहाँ के डॉक्टर्स का, कि प्रतिदिन कम से कम 90 लोग यहाँ पे आके वैक्सीन ले रहे हैं। आपको बताते चले कि अभी भी गरीब तबके के जो लोग हैं वो जागरूक नहीं है इस मामले में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कोविड की टेस्ट होती है और साथ ही साथ कोविड का वैक्सीन इसी जगह पे दिया जाता है। तो ये कुछ हाल है स्वास्थ्य केंद्र का। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द आज़ादी। मैं हूँ आपके साथ नाज़िश मेहताब।